तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 4 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा डीएस यूनिट 4 दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डीएस यूनिट 4 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको मात्र 15 रुपीज गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको वहीं पर नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रिकवरी सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ देखिए, रिकवरी सिस्टम इसके अंदर आते हैं फॉरवर्ड रिकवरी और यहाँ पे बैकवर्ड रिकवरी। और यहाँ देखिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में कि बैकवर्ड एरर रिकवरी के क्या क्या अप्रोच होते हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, या फिर क्या क्या एल्गोरिथम होते हैं, या फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ये आपका पूछा गया है 10 नंबर का। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चेक पॉइंट क्या होता है और यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या इशू आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था, 10 नंबर 10 मार्क। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ऑर्फन मैसेज क्या होता है, ऑर्फन मैसेज क्या होता है, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, लॉस्ट मैसेज या फिर लॉस्ट मैसेज क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ लाइव लॉक्स क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 10 नंबर के। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है वोटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं, यानी कि स्टैटिक वोटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और यहाँ पे डायनेमिक वोटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में रिकवरी क्या होता है। तो आप लिखेंगे, ये आपका सिस्टम है, अगर इस सिस्टम में एरर आ जाएगा तब आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, सही से परफॉर्मेंस नहीं करेगा, यानी कि आपका सिस्टम यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो उसी सिस्टम के एरर को रिकवर करने के लिए फॉल्ट टॉलरेंस की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है, इस एरर को रिकवर करने के लिए यहाँ पे दो टेक्निक आते हैं, तो इसको यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है फॉरवर्ड रिकवरी और दूसरा आपका है बैकवर्ड रिकवरी। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है फॉरवर्ड एरर रिकवरी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका फॉल्ट दिखाई देता है, लेकिन बैकवर्ड एरर रिकवरी में यहाँ पे फॉल्ट सही से दिखाई नहीं देता है, यानी कि इस फॉल्ट को आप डायरेक्ट देख नहीं पाते हो। अब यहाँ देखिए, पहला आपका है फॉरवर्ड एरर रिकवरी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉल्ट की वजह से यहाँ पे एरर आता है और यहाँ पे आपका सिस्टम डैमेज कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि फॉल्ट की वजह से सिस्टम यहाँ पे एरर आ जाता है और सिस्टम में डैमेज आ जाता है। तो इसको रिकवर करने के लिए एक टेक्निक की आवश्यकता होती है जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड एरर रिकवरी। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि फॉल्ट की वजह से एरर आता है और यहाँ पे डैमेज आता है और इसको, इस एरर को रिमूव करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए फॉरवर्ड एरर रिकवरी की आवश्यकता होती है। फॉरवर्ड एरर रिकवरी में यहाँ पे फॉल्ट डायरेक्टली दिखाई देता है। ठीक, और यहाँ देखिए, फॉरवर्ड एरर रिकवरी में आप यहाँ पे एरर को रिकवर करते हो ऐसे, यानी कि ये आपका है इनिशियल और ये आपका है करंट स्टेट। इनिशियल से करंट स्टेट की ओर एरर को रिकवर किया जाता है फॉरवर्ड रिकवरी में। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है बैकवर्ड एरर रिकवरी। यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉल्ट को देख नहीं पाते हो, तब जब यहाँ पे फॉल्ट डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है तब यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक का यूज किया जाता है जिसकी सहायता से एरर को रिकवर किया जाता है। तो ऐसे टेक्निक बोलते हैं बैकवर्ड एरर रिकवरी। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका सिस्टम, अगर यहाँ प्रोसेस आगे चल कर यहाँ पे फेल हो जाता है तब यहाँ पे इसको रिकवर करने के लिए आप पीछे जाओगे, यानी कि आप यहाँ पे रोल बैक करोगे जहाँ पे आपका स्टेट एरर फ्री है, एरर फ्री है, यानी कि जब यहाँ पे प्रोसेस आगे चल करके फेल हो जाता है तब उस फेलियर को रिकवर करने के लिए वो प्रोसेस प्रीवियस यानी कि पहले जाता है, इनिशियल स्टेट पे आता है जहाँ पे स्टेट एरर फ्री हो, यानी कि यहाँ पे
प्रोसेस रोल बैक करता है, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड एरर रिकवरी। यानी कि ये आपका है इनिशियल स्टेट और ये आपका है करंट स्टेट। तो बैकवर्ड एरर रिकवरी में आप यहाँ जाओगे, यानी करंट स्टेट से लेकर के इनिशियल स्टेट पे आप तुरंत यहाँ पे रोल बैक करोगे, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड एरर रिकवरी। और यहाँ पे फॉल्ट डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता है। तब यहाँ देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बैकवर्ड एरर रिकवरी इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं, या फिर क्या क्या एल्गोरिदम होते हैं, या फिर क्या क्या मेथड होते हैं बैकवर्ड एरर रिकवरी के लिए। अब यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे रिकवरिंग द कनकरेंट सिस्टम। ये क्या होता है, यह जो है पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें आते हैं, पहला आपका है एल्गोरिदम या फिर कॉन्सेप्ट, वो है ऑर्फन मैसेज। और यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि ऑर्फन मैसेज क्या होता है और यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, ऑर्फन मैसेज में जो भी यहाँ पे सेंडर मैसेज को यहाँ पे सेंड करता है तो सेंडर की आइडेंटिटी यहाँ पे अननोन होती है। ठीक, तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि सेंडर की आइडेंटिटी अननोन होती है। देखिए यहाँ पे तीन प्रोसेस हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कुछ इवेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यक्स वन यक्स टू यक्स थ्री, और वाई पे वाई वन वाई टू, और यहाँ पे जेड पे जेड वन जेड टू। अब यहाँ पे ये जो वाई है प्रोसेस वाई, यहाँ पे वाई टू एक मैसेज भेजा यक्स थ्री को। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रोसेस वाई है ये आगे चल करके यहाँ पे फेल कर जाता है। तब इस फेलियर को रिकवर करने के लिए ये जाएगा इनिशियल स्टेट पे या फिर इनिशियल चेक पॉइंट पे जाएगा या फिर रोल बैक करेगा। इस फेलियर को रिकवर करने के लिए यह जो है मतलब यहाँ पे रोल बैक करेगा अपने इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से आया वाई टू पॉइंट पे। तो जैसे इसने मैसेज भेजा एक्स थ्री को, तैसे यहाँ पे आगे चल करके ये फेल हो गया, यानी कि वाई टू के डेटाबेस से मैसेज यम यहाँ पे डिलीट हो गया। लेकिन जो मैसेज पहुँचा एक्स थ्री पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो वाई टू की आइडेंटिटी है यहाँ पे अननोन हो गई। यानी कि जो मैसेज गया एक्स थ्री के पास, तो उस मैसेज को बोलेंगे ऑर्फन मैसेज। यानी कि वाई टू के डेटाबेस से मैसेज यम डिलीट हो गया, लेकिन एक्स थ्री के डेटाबेस से यम मैसेज यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे मैसेज को बोलते हैं ऑर्फन मैसेज। तो ये सारा पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पे जो सेंडर होता है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे अननोन होती है, और यहाँ पे जो प्रोसेस भेजा वाई यक्स को मैसेज, वो मैसेज यहाँ पे यम है। तब यहाँ पे वाई का जो आइडेंटिटी है या फिर रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिलीट हो गया या फिर अननोन हो गया, यानी कि वाई टू के डेटाबेस से वो मैसेज यहाँ पे डिलीट हो गया, लेकिन यक्स टू के पास वो मैसेज यहाँ पे पहुँच गया, तो ऐसे मैसेज को बोलते हैं ऑर्फन मैसेज। अब यहाँ पे अगला है डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, तो आप लिखेंगे किसी एक प्रोसेस के रोल बैक करने से अगर सारे प्रोसेस रोल बैक करने लगें तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। एक बार फिर से सुनिए, किसी एक प्रोसेस के रोल बैक करने से अगर सारे प्रोसेस रोल बैक करने लगें तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे जेड टू मैसेज भेजा यन वाई टू को, और यहाँ पे जेड टू आगे जा करके फेल कर गया, तब इस फेलियर को रिकवर करने के लिए ये रोल बैक करेगा। यानी कि जो आपका जेड टू है, इस जेड टू के डेटाबेस से यहाँ यन मैसेज है, यन मैसेज यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे यन मैसेज जाएगा वाई टू के पास, यानी कि वाई टू के डेटाबेस से यन मैसेज डिलीट नहीं होगा। तब यहाँ पे ये जो आपका यन मैसेज है ये आपका रिएक्ट करेगा ऑर्फन मैसेज की तरह। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे मैसेज गया वाई टू के पास, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सेंडर है उस सेंडर की आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो गई है, यानी कि वाई टू का सिस्टम फेल ना हो जाए इसीलिए यह भेज देगा उस मैसेज को अपने यक्स स्टेट के पास, यानी कि इनिशियल पॉइंट के पास भेज देगा वाई वन के पास। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे
जो आपका वाई टू है ये जैसे मैसेज भेजा वाई वन के पास ताकि यहाँ पर इसका सिस्टम फेल ना कर जाए, फॉल्ट ना कर जाए। तब देखिए यहाँ जो वाई टू है ये मैसेज भेजा किसके पास, यम के पास। अब यहाँ पे वाई टू का भी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब यहाँ पे वाई टू का आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो गया तब इसीलिए यक्स थ्री भी उस मैसेज को रोल बैक कर देगा यक्स वन के पास। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जेड टू का यहाँ फेलियर आया आगे जा करके, तो जैसे इसने रोल बैक किया तब यहाँ पे सारे प्रोसेस रोल बैक करने लगे। यहाँ पे वाई टू भी रोल बैक करेगा वाई वन के पास और यहाँ पे यक्स थ्री भी रोल बैक करेगा उस मैसेज को यक्स वन के पास। तो ऐसे इफेक्ट बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इस टाइप का सिंबल है, इस टाइप का देखिए, तो इस सिंबल को बोलते हैं फेलियर पॉइंट। यहाँ देखिए फेलियर पॉइंट या फिर रिकवरी पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकवरी पॉइंट। यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको बोलते हैं रिकवरी पॉइंट। तो आप लिखेंगे नोट करके, रिकवरी पॉइंट बोलता है अगर आपका प्रोसेस, अगर आपका स्टेट आगे चल करके फेल हो जाता है तो उस फेलियर को यहाँ पे रिकवर करने के लिए इसको पीछे जाना पड़ेगा, रोल बैक यहाँ पे करता है जहाँ पे आपका स्टेट एरर फ्री हो। यानी कि जब आपका स्टेट आगे जा करके फेल कर जाता है तो तुरंत तो उस फेलियर को रिकवर करने के लिए अपने इनिशियल स्टेट पे आएगा जहाँ पे आपका स्टेट एरर फ्री हो। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं रिकवरी पॉइंट। ठीक, तो आपका हो गया डोमिनो इफेक्ट। अब आगे देखिए, आगे आपका है लॉस्ट मैसेज या फिर लॉस मैसेज। इसका देखिए डिफिनेशन, अगर एक प्रोसेस या आपका प्रोसेस वन है, अगर एक प्रोसेस मैसेज भेजता है प्रोसेस टू को लेकिन ये मैसेज प्रोसेस टू को रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे मैसेज को बोलते हैं लॉस मैसेज। इसका एग्जांपल देखिए, देखिए ये आपका प्रोसेस है यक्स और ये आपका प्रोसेस है वाई। तब यहाँ पे यक्स जो है मैसेज भेजता है यम प्रोसेस वाई को, लेकिन यहाँ पे ये जो मैसेज आया ये आगे चल करके यहाँ पे फेल कर गया। तब यहाँ पे ये रोल बैक करेगा अपने इनिशियल पॉइंट पे जहाँ पे इसका पॉइंट एरर फ्री हो। तो आप यहाँ देखेंगे इसके रोल बैक करने से ये मैसेज यहाँ पे लॉस्ट हो गया, यानी कि आगे आपको जो मैसेज जा रहा था यहाँ पे फेल कर गया। तो ऐसे मैसेज को बोलते हैं लॉस्ट मैसेज। यानी कि ये मैसेज जैसे यक्स ने भेजा प्रोसेस वाई को, तब यहाँ पे ये मैसेज आगे चल करके यहाँ पे फेल कर गया। अब जैसे यहाँ फेल होगा तो उस फेलियर को रिकवर करने के लिए ये जाएगा अपने इनिशियल स्टेट पे जहाँ पे इसका स्टेट एरर फ्री हो। तब यहाँ पे वो मैसेज प्रोसेस वाई पे नहीं पहुँच पाया। तो ऐसे मैसेज बोलते हैं लॉस्ट मैसेज या फिर लॉस्ट मैसेज बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला आपका है प्रॉब्लम ऑफ लाइव लॉक। ये क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, जो भी आपका लाइव लॉक है यह जो है बिहेवियर करता है डेड लॉक कंडीशन की तरह, डेड लॉक कंडीशन की तरह करता है। यानी कि जब यहाँ पे एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए इनफाइनाइट टाइम तक वेट करता है तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन जनरेट होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डेड लॉक कंडीशन। तो आप लिखेंगे लाइव लॉक इट इज सिमिलर टू डेड लॉक कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका है प्रोसेस वन, प्रोसेस वन जो है रिसोर्स टू को यहाँ पे होल्ड किया है। ठीक, लेकिन जो है प्रोसेस वन आर वन के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है और यहाँ पी टू जो आपका प्रोसेस है यह जो होल्ड किया है किसको, आर वन को, लेकिन यह जो है आर टू का यहाँ पे वेट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जितने सारे प्रोसेस हैं यह आपका प्रोसेस वन है, अगर ये होल्ड कर रहा है आर टू को, लेकिन प्रोसेस वन यहाँ पे वेट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए, लेकिन यहाँ पे रिसोर्स वन किसके पास है, प्रोसेस टू के पास है। तो आप यहाँ देखेंगे एक यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन जनरेट हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं लाइव लॉक। यानी कि जब यहाँ पे वेटिंग इनफाइनाइट टाइम के लिए हो तब उसे बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लाइव लॉक। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे यक्स वन भेजा मैसेज वाई वन के पास, यानी कि आपका प्रोसेस है यक्स या आपका प्रोसेस वाई। तो यक्स प्रोसेस मैसेज आया वाई के पास,
लेकिन जैसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है N1 किस पे, प्रोसेस वाई पे, तब बीच में है और इससे पहले यहाँ साइट यहाँ पे फेल कर गई, यानी कि यहाँ पे N1 मैसेज आ रहा था लेकिन ये बीच में था, तभी यहाँ पे साइट यहाँ पे फेल कर गई। अब जैसे आप फेल करेगी, यानी कि उस फेलियर को रिकवर करने के लिए ये आ जाएगा पॉइंट, उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे आपका स्टेट एरर फ्री हो, यानी कि यहाँ पे रोल बैक करेगा। अब यानी कि अब यहाँ पे ये मैसेज बिहेवियर करेगा लॉस्ट मैसेज की तरह, यानी कि जब एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस पे मैसेज भेजता है और मैसेज प्रोसेस टू पे नहीं पहुंच पाता है, नहीं रिसीव हो पाता है, तो ऐसे मैसेज को बोलते हैं लॉस्ट मैसेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है Y1, Y1 जो है मैसेज भेजा X1 के पास, यानी कि प्रोसेस X के पास। अब यहाँ पे यह जो है मैसेज जा रहा था लेकिन Y1 आगे जा करके यहाँ पे फेल कर गया। अब जैसे आगे चल करके फेल हो जाएगा, तब यहाँ पे इसको रोल बैक करेगा, यानी कि इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। तब आप यहाँ देखेंगे ये जो आपका M1 है ये बिहेवियर करेगा किसकी तरह, और फोन मैसेज की तरह। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कई बार रोल बैक होता है, जो आपका लाइव लॉक होता है यहाँ पे कई बार रोल बैक होता है। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हुआ है और यहाँ पे दो बार रोल बैक हो रहा है। देखिए, यह आपका एग्जांपल नंबर 2 है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे Y1 जा रहा था आगे, और जैसे इसने आगे जा रहा था तैसे यहाँ पे एक मैसेज को रिसीव किया N1 मैसेज को। और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है N2 मैसेज आ रहा है ऊपर से, लेकिन ये बीच में यहाँ पे आ रहा था, तब आते ही इस साइट यहाँ पे फेल कर गई, यानी कि यहाँ पे N2 मैसेज बिहेव करेगा लॉस्ट मैसेज की तरह। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका Y1 है जैसे यहाँ पे आगे जा रहा था तो तैसे इसने रिसीव किया N1 मैसेज को। अब यहाँ पे N1 मैसेज को इसने रिसीव किया तो ये आगे जाएगा और यहाँ पे फेल कर जाएगा, और फेल करने के बाद ये दोबारा आएगा इनिशियल पॉइंट पे, जहाँ पे आपका स्टेट एरर फ्री हो। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे Y1 दोबारा एक मैसेज भेजता है प्रोसेस X के पास, और वो यहाँ पर मैसेज है M2। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ जैसे मैसेज भेजा X के पास, तो फिर यहाँ पे आगे जा रहा था और फिर यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो आपका Y1 है इसके डेटाबेस से जो आपका मैसेज 2 है, यानी कि M2 है, ये यहाँ पे डिलीट हो गया, यानी कि Y1 की आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म हो गई। तब यहाँ पे जो आपका M2 है यहाँ पे बिहेवियर करेगी किसकी तरह, और फोन मैसेज की तरह। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मैसेज बिहेव कर रहा है लॉस्ट मैसेज की तरह, फिर यहाँ मैसेज जा रहा है, फिर ये बिहेव कर रहा है और फोन मैसेज की तरह, फिर यहाँ पे मैसेज आ रहा है, फिर यहाँ पे बिहेवियर करेगा लॉस्ट मैसेज की तरह, फिर यहाँ पे ऊपर मैसेज जाएगा, फिर यहाँ फेल हो जाएगा, यानी कि और फोन मैसेज के यहाँ पे बिहेवियर करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेटिंग हो रही है इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये आपका है प्रॉब्लम ऑफ लाइव लॉक। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड Unit 4 का। तो आपका पूरा DS Unit 4 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।